बॉलीवुड का चर्चित कपूर परिवार इस वक्त एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। कपूर परिवार में एक गुड न्यूज आ चुकी है। बता दें आपको, हाल ही में कपूर परिवार की बड़ी बेटी दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। 75 ईयर्स के हो चुके हैं रणधीर कपूर और इस खास मौके पर पूरे ही कपूर परिवार ने मिलकर रणधीर कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर रणधीर कपूर के लिए पोस्ट लिखते हुए नजर आए हैं कपूर फैमिली के सदस्य, जहां एक तरफ कपूर फैमिली में ये खुशनुमा माहौल देखने को मिला, वहीं दूसरी ही तरफ कपूर फैमिली के सदस्य अब जश्न में डूबे हुए भी दिखाई दिए हैं। वेल, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कपूर फैमिली में आई इस गुड न्यूज के बारे में, जो जुड़ी हुई है दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर के लाडले छोटे भाई दिग्गज अभिनेता राजीव कपूर से। राजीव कपूर के नाम कपूर फैमिली में एक शानदार तोहफा पहुंच चुका है। बता दें आपको, साल 2021 में 9 फरवरी के दिन राजीव कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अपने भाई को पल पल याद करते हुए देखे जाते हैं रणधीर कपूर, और जो गुड न्यूज आई है चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के चर्चित कपूर परिवार को एक बेहद बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। ये गुड न्यूज कपूर फैमिली के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बता दें आपको, कपूर परिवार के छोटे बेटे दिग्गज अभिनेता राजीव कपूर, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा ही अपनी यादों के जरिए सभी के दिलों में बसे रहेंगे। राजीव कपूर के नाम आ चुका है एक तोहफा, और ये तोहफा वाकई में फैंस के लिए बहुत ही शानदार है। वेल, आपको बता दें कि राजीव कपूर के नाम एक तोहफा आ चुका है, और इस तोहफे को पाकर पूरा ही कपूर परिवार काफी ज्यादा खुश है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, गुरुवार की रात फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने दिवंगत अभिनेता राजीव कपूर की आखिरी फिल्म तुलसीदास जूनियर की एक स्क्रीनिंग रखी थी। इस कार्यक्रम के सह योजना टी सीरीज के भूषण कुमार ने मुंबई में की थी। जी हां, आपको बता दें इस स्क्रीनिंग के बारे में, इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बने कपूर परिवार के सदस्य रणवीर कपूर, रणधीर कपूर, नीतू कपूर, आधार जैन, अरमान जैन, रीमा जैन और कुणाल कपूर। कपूर परिवार के ये सदस्य स्क्रीनिंग में शामिल हुए और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस फिल्म में राजीव कपूर नजर आएंगे, और इस फिल्म में सुपरस्टार संजय दत्त भी रिपीट। वहीं राजीव कपूर के अलावा सुपरस्टार संजय दत्त भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। राजीव कपूर, जो साल 2021 में 9 फरवरी के दिन हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इस तरह से देखा जाए तो कपूर परिवार को बेहद प्यारा सा तोहफा मिल चुका है, जो वाकई में हर किसी की आंखों को नम कर देने वाला है। सभी ने देखा जाना किस तरह से राजीव कपूर की आखिरी फिल्म को लेकर पूरा ही कपूर परिवार काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और स्क्रीनिंग के मौके पर कपूर फैमिली के सदस्य एक साथ नजर आए हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हुए देखे गए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।